हेलो फ्रेंड, आपका मोस्ट वेलकम करते हैं हमारे इस चैनल पर। तो आज की वीडियो में आपको तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी सेशन बैच 2025 पार्ट वन एग्जाम के लिए हिंदी ऑनर्स का सजेशन देने वाले हैं। जो स्टूडेंट अभी पेपर वन का सजेशन नहीं देखे हैं, हमारे चैनल पर अपलोड है, वो ज़रूर देख लेंगे, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप उतना सजेशन करके जाते हैं तो आपको 75 से 80% क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, आज की वीडियो में आपको पेपर टू हिंदी ऑनर्स का सजेशन देने वाले हैं। जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर लिए हैं, जो स्टूडेंट तैयारी नहीं भी किए हैं, इनके लिए भी ये सजेशन वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, कौन कौन सा क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है मैं अभी आपको बताने वाले हैं। अगर आप ये सजेशन कर लेते हैं तो आपको 75 से 80% क्वेश्चन इससे ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको तिलका मांझी का पल पल अप टू डेट और हमारे इस चैनल पर जो भी नोट सजेशन हो आपके पास पहुँच सके। तो चलिए, हिंदी ऑनर्स पेपर टू का सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी ऑनर्स में, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन क्या रहता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर दे। यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव पूछता है आपको, एक ऑब्जेक्टिव बराबर 20 नंबर का पूछता है, यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। सबसे पहला खंड को में, ठीक है, फिर खंड को से आपको जो क्वेश्चन तैयार करके जाना है आपको, देखिए इसमें देना पड़ता है निम्नलिखित में किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ऑब्जेक्टिव के बाद आपको खंड को में 4 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। मैं टोटल इसमें 12 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जो आपको इसी से देखने के लिए मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है भक्ति काल की विशेषता बतलाए। इसके बाद सेकंड नंबर सूरदास की भक्ति के विशेषता बतलाए। फिर 3 नंबर रासो ग्रंथों का परमानता पर विचार करें। 4 नंबर तैयार करना है आदिकाल के मुख्य परिवर्तियों का विवेचना करें। 5 नंबर तैयार करना है पृथ्वी रासों की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डाले। इसके बाद 6 नंबर आपको तैयार करना है हिंदी साहित्य के अधिकार की परिस्थितियों का विवेचना करें। 7 नंबर कबीर अथवा विद्यापति का कवि का परिचय दीजिए। 8 नंबर तैयार करना है भक्ति काव्य के समान विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके बाद आपको 9 नंबर तैयार करना है कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास के महत्व पर प्रकाश डालिए। 10 नंबर अमीर खुरसो के व्यक्तिगत और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। 11 नंबर तैयार करना है हिंदी साहित्य आरंभिक युग के आदिकाल को क्यों कहा जाता है। इसके बाद 12 नंबर आपको तैयार करना है प्रेम सरी शाखा में तुलसीदास का स्थापना निरूपित करें। तो टोटल आपको खंड को से इसमें 4 प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप 12 क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपको 4 क्वेश्चन इससे देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर खंड को में भी आपको देता है निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर टिप्पणियों लिखने के लिए, ठीक है। टिप्पणी इसमें 2 दिया जाता है, तो मैं इतना ही सेलेक्ट किए आपको देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट आपको तैयार करना है मशनवी शैली, खो नंबर में सगुण ब्रह्मा। इसके बाद घो नंबर में कबीर की मानवता। इसके बाद आपको तैयार करना है तुलसीदास की शक्ति भवन। इसके बाद अमीर खुसरो की पहेलियों। इसके बाद ज्ञान श्री शाखा, तुलसी के राम। इसके बाद पद्मावत। इसके बाद आपको पृथ्वी राज रासों। इसके बाद कबीर की भाषा। इसके बाद आपको तैयार करना है मीरा की भक्ति, ठीक है। तो आपको खंड को में सबसे पहले 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसके बाद 4 प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि आपको 10 रहता है, 10 में आपको 4 जरूर देखने के लिए मिलेगा। मैं इसमें 12 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, अगर आप 12 क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा। इसमें 3 नंबर में मैंने सेलेक्ट किए हैं, इतना ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, क से लेकर रो तक।
कौन से रिकॉर्ड होता अगर आप कितना करके जाते हैं, तो आपको जरूर दो क्वेश्चन इससे देखने के लिए मिलेगा, तीन नंबर से खंड क का तीन नंबर, ठीक है। अब खंड ख में कौन करना है मैं आपको बताने वाला है। इसके बाद आपको खंड ख में क्या करना है, देखिए खंड ख में जो आप ख में तैयार करना है आपको किन्हीं एक का उत्तर दीजिए। खंड ख में आपको एक का उत्तर देना पड़ता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं तैयार किया है, कबीर की निर्गुण शक्ति के स्वरूप की विवेचना करें। इसके बाद ख में परशुराम लक्ष्मण संवादा के सौंदर्य को स्पष्ट करें। इसके बाद घ नंबर तैयार करना है, विद्यापति की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। इसके बाद सूरदास की कारण प्रेम की विशेषता बतलाए। इसके बाद तैयार करना है, झांसी के काव्य पर परिचय दीजिए। इसके बाद विद्यापति का वर्णन कीजिए। फिर आपको तैयार करना है, सूरदास का श्रृंगार का वर्णन करें। इसके बाद झ नंबर प्रेम सारे विशेषता का वर्णन करें। इसके बाद ढ नंबर तुलसीदास का वर्णन करें, ठीक है। तो किन्हीं एक का उत्तर देना पड़ता है, तो मैं ऑलमोस्ट 8 से 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किया, इसी से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। खंड क का 4 नंबर में पूछा जाता है, आपको एक का उत्तर देना पड़ता है लौंग का, तो आपको इससे देखने के लिए मिल जाएगा जितना क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किए हैं। आशा करते हैं आप इतना ज़रूर तैयार करके ही जाएंगे। इसके बाद आपको आगे पूछा जाता है, देखिए आगे आपको हिंदी जो पेपर 2 में पूछा जाता है, किन्हीं दो का अस्पर व्याख्या करें। तो खंड को में तैयार करना है, शरद वसंत समय भल पाउली दहिन पावन बाहु धीरे, सपनेहु रूप वचन का एक वशी मुख सो धूरी करु चीरे, ठीक है। तो आपको स्मरण करने के लिए देता है, यानी कि व्याख्या करने के लिए देता है। तो इसमें आपको टोटल व्याख्या करने जो देता है, व्याख्या 2 देता है, ठीक। तो इसमें हम 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, इससे आपको 2 देखने के लिए मिल जाएगा। ख नंबर, सूर 33 कोतिम आए मुनिवर साहस 88 का, कबीर हमें वाहे चले पुरुष एक अनिवासी, ठीक है। तो टोटल ख में आपको यही तैयार करना है। घ नंबर में पहले करी परनामा चंद से समाचार, सब दीगो और वहाँ वृष मानु गोप से जाए एकल सुधी ले जो, ठीक है। इसके बाद घ नंबर, वंदरत की पवित्र कंद खाली अधूर, घर पल्लव खोज चपला चमके धन वी से जगे छवि मोतन मन अनमोल, ठीक है। तो टोटल आपको 4 क्वेश्चन करना ही है, 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा स्मरण करना यानी कि व्याख्या करने के लिए दिया जाता है 5 नंबर में, ठीक है। 5 नंबर में आपको व्याख्या करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो आपको 5 नंबर यानी कि 4 ही क्वेश्चन तैयार करेंगे हिंदी ऑनर्स पेपर 2 का, ठीक है। तो चलिए अगला फिर पूछा जाता है, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए, 6 में आपको आता है, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। तो 2 ही बनाना पड़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क में सेलेक्ट किया, मेरा भाई का कृष्ण प्रेम, मेरा भाई का कृष्ण प्रेम। इसके बाद ख में सूरदास का काव्य भाषा, घ नंबर में रसखान भक्ति रस के सपान, ठीक है। इसके बाद घ में रत्नेशन की विरहा वर्णन, इसके वड़ो में सूरदास की गोपियों, चौ नंबर रसखान कृष्ण की भाषा, 8 में कृतिलता। इसके बाद झ में आपको करना है तुलसीदास लोक दृष्टि, इसके बाद कबीर के भाषा, इसके बाद कबीर के साखी तैयार कर लेना है वर्णन करने के लिए दिया जाता है। इसके बाद या में रखे हैं जायसी का भाषा का वर्णन करें, ठीक है। तो आपको पेपर 2 में मात्र इतना ही क्वेश्चन तैयार करके जाना है, इतना मैं आपको अभी बता दिए हैं। पेपर 2 ऑलरेडी पेपर 1 का मैं बना दिए हैं, वीडियो पे अपलोड कर दें, आप जरूर जाके देख लेंगे। पहले पेपर 1 का आपका एग्ज़ाम होता है, तभी पेपर 2 का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो पेपर 1 का आप जरूर देख लेंगे, जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो इतना क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, और पेपर 2 में इतना ही क्वेश्चन आप तैयार करके जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो स्टूडेंट को ये सजेशन चाहिए, हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है।
और मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो स्टूडेंट जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स पेपर वन का देने वाले हैं, ऑलरेडी हम अपलोड सजेशन कर दिए हैं, वो ज़रूर जाके देख लेंगे, हमारे चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए क्लासेस को इतना ही रहने देते हैं। तो चलिए, आज अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे उनका भी मदद हो सके, वो भी पढ़ाई कर सके जो किसी कारण पढ़ने नहीं पढ़ सका है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर।